कहानी ट्विस्ट आ जाती है। गांव में तो अम्मा छोड़ के आती थी, बड़े प्यार से मजा आता था, दोनों जने जाते थे, खाते थे, पीते थे, आते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब सिटी आ गए तो यहाँ पे थोड़ी सी सिनेरियो चेंज हो गया। जो सुखवंत सिंह थे, जो पोता थे, दादी का जो पोता था, वो अब शहर आने के बाद सिटी में, आप जानते हो जैसे मेट्रो सिटी में दिल्ली मुंबई, आप ये अगर कहीं रहते हो तो अब बस सिस्टम हो गया। जैसे आप लोग भी बस से जाते होंगे, आप याद करो बचपन के वो दिन जहाँ पे आपको मम्मी छोड़ने जाती थी, 2 रुपए की चीज दिलाते थे, आप कितने खुश हो जाते थे, चाहे आपकी दादी दिलाती थी। लेकिन आज वो सोचो आप 11वीं 12वीं में आके आपको वो फील हो रहा होगा, नहीं यार सही कह रहे हो भाई, आज वो मजा सा नहीं आ रहा है। यही चीज है कि आज हम बड़े हो गए और हमारे पेरेंट्स भी थोड़े से बिजी हो गए, तो आज हमारे लिए स्कूल जाने के लिए, ये जाने के लिए बस लग गए हैं, वे कैब लग गए, ये सारी पूरे साल जीवन भर हर रोज प्रे करती थी, बट उस दिन उन्होंने प्रे नहीं किया था। उस इवनिंग में ऐसा क्या हुआ? तो क्वेश्चन आपको ऐसे बनते हैं, सी डिड नॉट प्रे, प्रे नहीं किया था उन्होंने। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई ये आपके इंग्लिश के हॉर्नबिल के जो चैप्टर है, आपको पोर्ट्रेट लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, मेरे भाई इस चैप्टर के अंदर में ना आपको दिल दिमाग से सुनना है, समझना है, क्योंकि यहां से 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं भैया। इसीलिए कह रहा हूं जितने भी सेठ सेठ हो, दिल दिमाग से सुनना और टू द पॉइंट यही चीज लिख के आना जो चीज मैं आपको बता दूं। देखो कभी न कभी आपने किसी न किसी से मोहब्बत की ही होगी, मुझे इतना यकीन है, खास करके मैं अपने दादा दादी की बात करूं, कुछ और मत समझ जाए करो तुम लोग, हैं भाई। तो इसमें हम ना एक ग्रैंड मदर और एक ग्रैंड सन की बात सुनेंगे, कि एक दादा और एक दादी और एक पोते की कहानी देखेंगे, कि एक पोते को दादी से किस तरीके से मोहब्बत होता है, वो कितना एक दूसरे से अटैच होते हैं, कितना वो एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं, और दादी जो होती है अपने पोते की कितना मदद करते हैं। ये कहानी अपने से रिलेट करके देखो, क्या आपके दादी के साथ ऐसा ही बॉन्डिंग है या नहीं है। तो इस कहानी को जरूर सुनना मेरे भाई, आपको अपनी बॉन्डिंग खुद बनाना पड़ता है, मोहब्बत किसी से करनी पड़ती जब मोहब्बत जाके होता है, समझ रहे हो ना बात को। तो यही चीज़ को ध्यान से समझेंगे इसके अंदर में। जो इसका राइटर है, इसका राइटर आपको स्ट्रेट ऑफ लेडी के अंदर में जो पोता है, पोता हमारा यही है, मतलब यही मतलब ये पोता हमारा जो राइटर है, जो कि सुखविंदर सिंह, जो सुखवंत सिंह है, ये पॉइंट है, सुखविंदर और सिंगर का नाम बोल दिया भाई मैंने। ये देखो मेन कैरेक्टर्स, इसमें ग्रैंड मदर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको एक ओल्ड लेडी दिख रही है, ठीक है भाई। तो इस तरह की सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप भाई बढ़िया लेवल पे अगर सारी क्लासेस करना चाहते हो, 11th और 12th हो, UPSC लेवल तक जो भी आपके लिए रिलेटेड हो सकता है, ह्यूमैनिटीज़ के लिए, इंग्लिश तो भाई, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब के लिए है, तो नए हो ना भाई सब्सक्राइब कर लेना, आपको बेस्ट टू बेस्ट कॉन्टेंट मिलेगा, इतनी गारंटी है, ठीक है भाई। तो मेरे भाई हम इसके अंदर में ओवरव्यू आप सामने देख सकते हो, ओवरव्यू में क्या क्या है। तो ओवरव्यू में यहाँ पे राइटर जो है था एक स्टोरी बताता है, जिस चीज के बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में ये बताता है, और वो ये बताता है कि चाइल्डहुड में वो अपने दादी के साथ किस तरीके से अपना समय एक्सपेंड किया, और किस तरीके से उसकी दादी उसे मतलब कि अच्छे तरीके से स्कूल भेजती थी, किस तरीके से मतलब उसको केयर करती थी, किस तरीके से ग्रैंड मदर उसकी साल टू साल मतलब कि बढ़िया लेवल पे सारी सारी डेली रूटीन में मतलब डेली एक्टिविटी में वो बहुत ज्यादा मदद करती थी, स्कूल जाने से लेके उसके खेलने कूदने तक। तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और आपको रोल अदा के, और आपको सारी चीजों को इसमें पता चल जाएगा। तो आपको अच्छे लेवल पे सारी चीजों को समझना है, आपको ध्यान से सुनना है, अपने से एक मतलब रिलेट करना है। जैसे आपको दिख रहा होगा एक समरी ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर में समरी ये है, द अपीयरेंस ऑफ ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के हम बारे में देखते हैं यहाँ पे। जो इसकी ग्रैंड मदर होती है सुखवंत सिंह की, मतलब की एक बूढ़ी अम्मा होती है, बूढ़ी अम्मा जो होती है वो मतलब की बहुत ज्यादा व्रिंकल फेस, उसके फेस पे बहुत ज़्यादा वो लगे होते, झुर्रियाँ आए हुए होते हैं, और वो जो होता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाता है कि वो जो अम्मा होती है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड होती है और बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग भी होती है। तो ये चीज़ ना मतलब कि सुखवंत सिंह को, जो उसका पोता होता है, उसको बिलीव नहीं होता है कि यार मेरी दादी जो है इतनी बूढ़ी है, मैं जब से देख रहा हूँ मेरी दादी बूढ़ी ही बूढ़ी है। हाँ, लेकिन उसने एक चीज़ बताया था कि मेरी दादी बूढ़ी तो है, लेकिन एक पॉइंट और समझ आ रहा है, लेकिन वो यंग मतलब कि कहते हैं हैड नो वन, मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि वो कभी आज से पहले यंग भी होगी, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि वो जैसी थी वैसे की वैसी दिख रही थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी दादी मतलब कि यंग एंड पीटी, सी वाज शॉर्ट फैट एंड द लिटिल शॉर्ट, मतलब कि वो थोड़ी सी मतलब कि वो जो के बैंड थी। तो वो सारी चीजें देख के सुखविंदर सिंह ये देखता है, सुखविंदर सिंह कह रहा हूं, सुखवंत सिंह ये देखता है, ऑथर इस चीज को मतलब कि याद दिलाता है कि वो घर के अंदर में किस तरीके से रहती है, घर के अंदर में सिर्फ अपने काम से मतलब रखती है और एक माला जपती रहती है और मुंह पे सिर्फ वो मतलब भगवान का जाप होता है। ये सारी चीजें देखते देखते पता चलता है किस तरीके से आगे अम्मा के बारे में वो चीजों को बताता है, और ये भी बता देता है कि अम्मा भले पीटी ना हो, पीटी और ब्यूटीफुल में दो डिफरेंस बताए इन्होंने, उन्होंने कहा यंग में भले पीटी हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ अम्मा जो हमारे ब्यूटीफुल है, क्योंकि ब्यूटीफुल मतलब इनर वॉइस की बात कहते हैं, आप किसी के साथ कितना अच्छा रिलेशन है, आप अपने स्कूल्स में, अपने आस पड़ोस में, अपने घर वालों से कितना अच्छी बॉन्डिंग बना के रखते हो, वो आपका ब्यूटीफुल एक इनर मतलब इनर वॉइस या इंटीरियर ब्यूटी को दिखाता है आपको। जो पीटी होता है आप खूबसूरत हो, बस ये
मैटर नहीं करता, खूबसूरती क्या है कल ढल जानी है, समझ रहे हो, आपके इनर ब्यूटी होना चाहिए। यही चीज है जो कि आज एक सुखवंत सिंह को अपने अम्मा के बारे में ये चीज बताने पे आज वो मतलब कि फ्रॉड फील कर रहा होगा। अब सोचो ये राइटर क्या चीज को बताया, क्या एक्सप्लेन किया है। तो चलो देखते हैं फटाफट से पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मतलब कि वो ग्रैंड मदर के बारे में बताता है, जब वो लोग विलेज में रहते थे तो सुखवंत सिंह जो है अपने दादी के साथ विलेज में रहता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है उसके शहर में चले गए थे, सिटी में चले गए थे, तो उसके जो पूरा देखरेख जो है उसकी अम्मा ही करती थी। उसकी अम्मा उसके स्कूल बैग से लेके उसको ले जाने तक सारा काम करती थी। अम्मा जो है उसके स्कूल सुबह 5 बजे उसे उठाती भी थी, और उठाने के बाद उसे अच्छी तरीके से बैग पैक करके देती थी, स्कूल का नाश्ता बनाकर देती थी, जो चीनी रोटी होते हैं गाँव में देखा होगा आपने, तो वो सारा देके उसे मतलब कि उसे स्कूल भेज देती हैं। फिर बाद में जब छुट्टी का टाइम होता है तो स्कूल के जब छुट्टी का टाइम होता है तो अम्मा उसे खुद ही लेने स्कूल चली जाती हैं, और उसके मतलब कि रोज रोज। लेकिन एक पॉइंट है, जब वो चपाती बनाती है ना, अम्मा जब चपाती बनाती है उसके लिए अपने पोते के लिए, तो साथ में एक दो चपाती ना और रख लेती है, इसलिए कि जब वो रास्ते में जब बच्चे को लेने जाएंगे तो साथ में मंदिर होता है, उस मंदिर में जाके अम्मा बैठती है, वहां पे भजन कीर्तन करती है, फिर वहां से दोनों साथ मिलकर आते हैं, तो रास्ते में जितने भी डॉगी होते हैं उन डॉगी को तोड़ तोड़ के खिला देती हैं। तो ये पॉइंट था इसका। तो ये सारी चीजें, अगला बात है यहां पे कि वो जो था वहां पे अब कुछ पल के लिए क्या होने लगा, यहां पे अब उसकी फ्रेंडशिप लाइफ देखा जाता सिटी में। टर्निंग पॉइंट था इसकी लाइफ का कि जो है अब सुखवंत सिंह को जो वहां पे जो पोता था उसको अपने पेरेंट्स के पास जाना था, उसको कहां जाना था, सिटी में जहां उसके पेरेंट्स रहते थे। तो यहां से थोड़ी सी बॉन्डिंग अब थोड़े थोड़े एक साथ तो रहने नहीं थे, मतलब रहते थे, मतलब अब वो विलेज में जो माहौल था वो माहौल शायद सिटी में ना हो, तो वो लोग वहां से क्या होते हैं कि मतलब उनकी फ्रेंडशिप जो होते हैं कहां तक चले जाते हैं, मूव होता है सिटी टू स्टे विद द ऑथर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के पास चले जाते हैं वो सारे सारे लोग। वहां पे क्या होता है, टॉट दे शेयर द सेम रूम, वो सेम रूम में रहते हैं। हिज ग्रैंड मदर नो लॉन्गर अकंपनीड हिम टू द स्कूल सिंस द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू बस। लेकिन क्या होता है यहां पे एक थोड़ी सी कहानी ट्विस्ट आ जाती है। गांव में तो अम्मा छोड़ के आती थी, बड़े प्यार से मजा आता था, दोनों जने जाते थे, खाते थे, पीते थे, आते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब सिटी आ गए तो यहां पे थोड़ी सी सिनेरियो चेंज हो गया। जो सुखवंत सिंह थे, जो पोता थे, दादी का जो पोता था, वो अब शहर आने के बाद सिटी में, आप जानते हो जैसे मेट्रो सिटी में दिल्ली मुंबई आप ये अगर कहीं रहते हो तो अब बस सिस्टम हो गया, जैसे आप लोग भी बस से जाते होंगे। आप याद करो बचपन के वो दिन जहां पे आपको मम्मी छोड़ने जाती थी, 2 रुपए की चीज दिलाते थे, आप कितने खुश हो जाते थे, चाहे आपकी दादी दिलाती थी। लेकिन आज वो सोचो आप 11वीं 12वीं में आके आपको वो फील हो रहा होगा, नहीं यार सही कह रहे हो भाई, आज वो मजा सा नहीं आ रहा है। यही चीज है कि आज हम बड़े हो गए और हमारे पेरेंट्स भी थोड़े से बिजी हो गए, तो आज हमारे लिए स्कूल जाने के लिए ये जाने के लिए बस लग गए हैं, वे कैब लग गए हैं, ये सारी चीजें। तो सेम वहां पे सुखवंत सिंह के साथ भी होता है, जो सुखवंत सिंह होते हैं उनके साथ अब वो सिटी में जाने के बाद वो अम्मा के साथ पैदल नहीं जाते, भले एक रूम में रहते हैं लेकिन उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं, क्योंकि अब सारा काम उसकी माता करके दे रही थी उनको, तो इसीलिए वहां पे थोड़ी बॉन्डिंग थोड़ा कम होने लग जाता है, मतलब थोड़ा सा इमोशंस होते हैं ना थोड़ा सा कम होने लग जाता है, क्योंकि किसी के पास समय नहीं होता है। सुखवंत सिंह भी क्या होता है, जो अम्मा की अच्छी बॉन्डिंग थी, टाइम बिताते थे, चीजों को सीखने को मिलता था, ये सारी चीजें आपको वहां पे नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अब वहां पे सिटी में जो स्कूल जाते हैं बस से जाना शुरू हो गया था। ये बात समझ गए यहां पे। फिर धीरे धीरे क्या आते हैं यहाँ पे, दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, मतलब कि वो बहुत कम चीज़ों को देखते थे आपस में, क्योंकि समय नहीं मिलता था। मीनवाइल द न्यू वर्ल्ड नो डॉग इन द स्ट्रीट एंड नो लुक फीडिंग फॉर द स्पैरो, क्या यहाँ पे सी टुक टू फीडिंग फॉर द फीडिंग द स्पैरो। अब देखते थे गांव में जो होता गली में जाते थे टेम्पल वाली गली में, तो वहाँ पे डॉगी था तो उनको चपाती खिलाते थे, शहर में ज़्यादा डॉगी नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि अपने छत पर बैठ के स्पैरो को अपना रोटियाँ या कुछ चीज़ें खिलाने लग गई अम्मा, क्योंकि देखो अम्मा वैसे तो उसको तराहा नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट समझ गए, देखो अनलाइक द विलेज स्कूल, अगर देखा जाए अनलाइक द विलेज स्कूल द ऑथर वॉज नॉट टॉट अबाउट गुड गॉड एंड द स्पिरिचुअल विच ट्रबल टीज ग्रैंड मदर। मतलब एक पॉइंट और देखा गया है कि यहाँ पे जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर जो राइटर्स था जो उसका पोता था, विलेज के स्कूल्स में जाते थे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता था ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कि वहाँ के जो स्कूल्स के अंदर में जो टीचर्स हुआ करते थे वो एक स्पिरिचुअल के बारे में नहीं बताते, गॉड के बारे में चीज़ों को नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि वो सारी चीज़ें अम्मा जो है रिमाइंड करने लगी, यादें करने लगी कि किस तरीके से वो चीजों को बच्चे को हेल्प करता था, मतलब कि हेल्प कर देती थी अम्मा कि जिस तरीके उसके होमवर्क में मतलब करना चाहती थी, बट वहां पे वो नहीं कर पाती थी क्योंकि उसको स्पिरिचुअल गॉड से रिलेटेड चीजें ज्यादा पता थी, क्योंकि पूरे दिन वो बातें करते मतलब कि अपना भगवान का जाप करती रहती थी। लेकिन उसके स्कूल में क्या था, डांस गाना बजाना ये सब सिखाया जाता था, जो कि अम्मा को अनबिलीवेबल सा लगता था, बिलीव नहीं होता था कि पता नहीं ये क्या सिखाते हैं ये यहां पे ये सारी चीजें। तो जिसके पास अम्मा डिस्टर्ब एंड आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन, फिर अम्मा को
ये सब चीज़ें रोज रोज बताता था कि अम्मा देखो आज म्यूजिक सिखाया गया, आज सिंगिंग सिखाया गया, आज डांस सिखाया गया। तो ये सारी चीज़ों को लेकर अम्मा जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, ना ही उसका होमवर्क करा पाती थी, वो सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रहा था। तो ये पॉइंट आते आते आगे जो है अम्मा मतलब साइलेंस हो जाती, कुछ बोल ही नहीं पाती है। वो कहती है कि बेकार का स्कूल है, वहाँ पर कुछ भी धर्म चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता। ठीक है भाई, अगला है ग्रैंड मदर के बारे में चीज़ें। लेकिन अब जो है शहर के अंदर में, जो शहर में सिटी में अम्मा के पास कोई काम नहीं होता, तो अम्मा क्या करती थी, जैसे वो अपने स्कूल चला जाता था तो अम्मा क्या करती थी, अपने रूम में जाती थी। जब वो यूनिवर्सिटी के लिए रूम में जाती थी और रूम में जाने के बाद सारे चीज़ों को वो अपना फील करती रहती थी, लेकिन अपनी लोनलीनेस को एक्सेप्ट करती थी, वो किसी को बताती नहीं थी। जिसके कारण क्या, तो उसने नया चीज़ देखा, वो प्रेयर करती रहती थी, आराम से चरखा चलाती रहती थी। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो वो जाके यहाँ पे स्पैरो को क्या करती थी, वहाँ पे भोजन देती थी, अपना मतलब कि चिड़िया को ना वो टुकड़े उकड़े देती रहती थी, जिसमें कि चिड़िया लोग बहुत ज़्यादा फीड ऑफ स्पैरो हु केम टू लार्ज नंबर एंड द बॉन्ड एंड लैक ऑफ द कम्फर्ट दे शेयर्ड विद द हर इन एविडेंट। मतलब कहते हैं कि जितने भी चीज़ें वहाँ पे चिड़िया को सारी चीज़ें खिलाने लग जाते हैं और चिड़िया भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती है। वहाँ पे सारी चिड़िया आ जाती हैं उनके पास में और सारी सारी चिड़िया क्या करती है, इधर उधर उसके बैठ के सारी चीज़ों को एंजॉय करती हैं। तो इसी बात पे जब अगला कुछ पॉइंट आता है, तो कुछ पॉइंट के बाद मतलब देखो भाई मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ, कुछ समय के बाद फिर जो है ऑथर जो होता है डिसाइड करता है कि उसे ना अब क्या करना है, अब्रॉड जाना है। मतलब कि वो आपको विदेश जाना है। कहाँ जाना है, विदेश जाना है, जिसमें कि आपको भी पता होगा आप भी कुछ दिनों के बाद में 11th 12th हो जाएगी, तो अपने अच्छे लेवल पर पढ़ाई करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाओगे, वहाँ पे आप अपने फैमिली को लीव करके जाना पड़ेगा, तो आपको भी वहाँ पे ये सारी चीज़ों को समझ आएगी कि भाई एक दूसरे से मोहब्बत क्या होती है। तो वहाँ पे जितने भी अब ये सोचता है स्टडी के लिए, तो ही वॉज श्योर दैट हिज ग्रैंड मदर कुड बी अपसेट एट हिज डिपार्चर्स। मतलब उन्होंने कहा, डिपार्चर्स मतलब होता है भाई जब चले जाते हैं, ट्रेन वेन आती है, जब ट्रेन खुलती है, तो उन्होंने कहा कि अम्मा तो यार बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बट सिनेरियो कुछ और ही था यहाँ पे। जैसे वो ना वहाँ पे जो एयरपोर्ट के पास जाता है, पूरी फैमिली जाती है, एयरपोर्ट पे जाने के बाद अम्मा जब उसको विदा करती हैं, तो वो ज़्यादा इमोशंस नहीं होते, ना ही अपसेट होती हैं, वो सिर्फ उसके फोरहेड पे किस करती हैं और उसको बाय बाय कह देती हैं। ये चीज़ देख के मतलब ऐसा लगने लगा कि यार क्या चीज़ हो रहा है, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन क्या है ना, अम्मा बहुत ज़्यादा अंदर से कलेजे वाली थी, उनका मेन रीज़न था अगर मैं ही यहाँ पे डाउन हो जाऊँगी तो मेरा पोता बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा। तो कभी कभी हमारे फैमिली भी यही होते हैं कि हमें फैमिली भी इमोशंस होते हैं, फैमिली के पास भी इमोशनल होता है उस टाइम, फैमिली के एक मेंबर भी, बट हमारे इमोशनल देख के वो लोग शांत हो जाते हैं, वो लोग सोचते हैं यार अगर हम ही टूट गए तो हमारा बच्चा टूट जाएगा। आपके साथ ऐसा होता होगा, यही चीज़ था यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के बाद फिर जो ऑथर होता है, जो वो होता है रिटर्न आता है 5 साल के बाद में। ऑथर आने के बाद यहाँ पे देखता है कि बहुत सारी एनी डिड नॉट चेंज इन हिज ग्रैंड मदर। वो अपने ग्रैंड मदर के अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं देखती है, बस वही सारी चीज़ें, उतना ही यंग है, उसी तरह से सारा काम कर रही हैं, उसी तरीके से माला जाप कर रही हैं, उसी तरीके से अपने दादा के जो उसके फोटो लगे होते हैं दादा के रेबिन रूम में, उसे देखती रहती है, जिसके दादा दाढ़ी वाड़ी लंबी होती। सारी चीज़ें आपको एंजाइटी मिल जाएगी। आपको मैं टू द पॉइंट सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सी वॉज एन ओल्ड एवर एंड द रीनेम एब्सॉर्ब्ड हिज प्रेयर। वो अपनी सारी सारी चीज़ को वो करती रही, प्रेयर करती गई। ठीक है, इवन दैट डे एंड द हैप्पीस्ट मोमेंट फॉर ही वॉज फीडिंग द स्पैरो। मतलब अपने स्पैरो को खाना खिला रही थी, बहुत ज़्यादा हैप्पीस्ट मोमेंट था। फिर कह रहा है यहाँ पे, इन द इवनिंग द फर्स्ट टाइम एवर सी डिड नॉट प्रे। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सुखविंदर सिंह जो उसकी दादी के रिलेशन था, उसके ऊपर में ऐसा क्या था, ऐसा व्हाट वॉज द हैपेंड, क्या ऐसा चीज हुआ था जहाँ पे अम्मा पूरे साल जीवन भर हर रोज प्रे करती थी, बट उस दिन उन्होंने प्रे नहीं किया था, उस इवनिंग में ऐसा क्या हुआ था। तो क्वेश्चन आपको ऐसे बनते हैं, सी डिड नॉट प्रे, प्रे नहीं किया था उन्होंने, एंड सी कलेक्टेड सेवरल लेडीज, आस पड़ोस के लेडीज को कलेक्ट किए और वहां पे गाना बजाना करने लगी, और गाना बजाना करने के बाद एंजॉय कर रही थी, और इसका उन्होंने क्या दिया था, उसने नाम दिया था रिलेटेड टू द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स। गाना बजाना करती रहती धीरे धीरे। ये सारी चीजें होने के बाद में वहां पे क्या होता है कि जब अम्मा अगले दिन आती तो ग्रैंड मदर की डेथ के बारे में पता चलता है। डेथ की स्टोरी है, डेथ इन द सेंस कि जब अम्मा सारी चीजों करने के बाद नेक्स्ट डे जब होता है, नेक्स्ट डे अम्मा थोड़ी सी बीमार हो जाती है। वो जो डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो डॉक्टर को कहता है कि क्या हुआ, तो डॉक्टर कहता है कि माइल्ड केसेस है, जैसे माइल्ड कोविड हुआ करता था, माइल्ड का मतलब होता है हल्का सा बीमार पड़ना। डॉक्टर को बुलाते हैं और ग्रैंड मदर यू न्यू दैट हर एंड वॉज नियर। तो अम्मा को पता चल जाता है कि अब जो है मेरा अंतिम पल आ चुका है, अब हम नहीं बचेंगे भैया। ये सारी चीजें देखते हुए सारे पॉइंट को करता है और अम्मा डिसाइड करती है स्पेंड लास्ट डे फ्यू आवर्स ऑफ हर लाइफ रिएक्टिंग इन द रिसेंट रिएक्टिंग प्रेयर्स
एंड द टेलिंग द बिट्स, मतलब कि वो अपने लास्ट पल अपने जीवन के उसी मतलब कि जाप के साथ मालाओं के साथ बिताना चाहती है। ये सारी चीज़ें करने के बाद अम्मा का जो कुछ पल के लिए लिप्स जो होता बंद हो जाता और ऐसा सबको पता होता अम्मा अब नहीं रही। ये पॉइंट होने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे क्या ऐसा रीज़न था कि भाई मतलब कि वहाँ पे अम्मा तो निपट गई है, उसके बाद क्या फैमिली का रिएक्ट था। तो फैमिली वेंट टू द मेक द अरेंज ऑफ फ्यूनल, मतलब कि अम्मा जो अम्मा को जलाने या उसके फ्यूनल के लिए तैयारी करते हैं। एज दे कम विद द स्ट्रेचर जिस पे बैठाते ले जाने के लिए और मिड वे फाइंड द थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो स्क्रेटेड अराउंड द हर डेड बॉडी। अब देखते हैं जब वो अम्मा को ले जा रहे थे तो उसके अम्मा क्योंकि स्पैरो तो भाई जानते हो उसे अम्मा को प्यार हो गए थे स्पैरो से। आप जानते हो किसी से मोहब्बत करो यार, चार दिन किसी से बात करोगे प्यार से तो वो भी कहीं ना प्यार से ही बात करेगा। तो अम्मा के पीछे जितने भी उसके जो डेड बॉडी को ले जा रहे थे तो अम्मा के आसपास बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो क्या होते ऊपर घूमने लगे। द स्पैरो मॉब्ड द डेड ऑफ द ग्रैंड मदर एंड अटर साइलेंट, वो चुपचाप थे। दे इग्नोर द ब्रेड क्रम थ्रू एट द डैम बाय ऑथर्स मदर्स एंड द फ्यू अवे साइलेंसली आफ्टर द बॉडी। वो कुछ देर तक चलते रहे और जो उसके मतलब उन दरमियान में जो उसकी ग्रैंड मदर के डेट होने के बाद उन पक्षियों के जो ऑथर के मदर थे वो सारी रोटी वोटी देने लगी जिस तरह से अम्मा देती थी, उन सबों ने उसको मना कर दिया। फिर अगले दिन स्वीपर आता है जब उसकी सेरेमनी क्रिमिनेशन होता है तो वहाँ पे उन सब चीज़ों को क्या होता है हटा दिया जाता है। आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे अम्मा से देखो यहाँ पे एक पॉइंट समझ आता है हमें, बर्ड की भी रिलेशन समझ आता है, एक बीन ह्यूमन की भी रिलेशन समझ आता है। क्या सोचो एक बर्ड को बीन ह्यूमन से कितना अच्छा रिलेशन हो गया था, उसने चार दिन चीज़ों को खिलाया, उस दिन सारी सारी चिड़ियाँ उसके फ्यूनल पे इतने साइलेंटली चलना शुरू कर दी। तो यही एक पॉइंट होता है, अगर आप प्यार बांटोगे तो प्यार ही मिलेगा। इस स्टोरी का ये था मोरल, ये निकलता है इस स्टोरी का। तो भाई आप सभी से मोहब्बत करो प्यार करो, सीधी सीधी बात है, जो होएगा देखा जाएगा ठीक है। आप लोग इसी तरीके से अपने दूसरों से प्यार बढ़ाए रहे, अपने दोस्त यार में सारी चीज़ों को शेयर करना, जो भी चीज़ें कोई परेशानी आप लोग कमेंट कर देना, नए हो शेयर करना, अपने एक दोस्त यार में एक वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।